महादेव। स्वागत है गाइस आप सभी का एक नया वीडियो में। एंड भाई गॉड हैड उनका एक बढ़िया सा अपडेट आया जिसमें महादेव जी के 19 अवतार जो है वो आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसके अंदर जो गृहपति अवतार है वो सबसे पहला अवतार है, जो लेटी हुई मुद्रा है, जो स्लीपिंग पोजिशन है, ठीक है, वो है भोलेनाथ जी की यहाँ पर। एंड ये काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहला जो है, आपने इंट्रो में तो एक देखा होगा काल भैरव, जो इनके सबसे रुद्र रूप का जो है एक स्वरूप है। और ये जो है ये गृहपति अवतार है और ये काफ़ी बढ़िया है। और ये जो डिज़ाइन है एड ऑन बाय एमएस गेमिंग, और ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है पूरा जो एड ऑन है वो, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। और सारे 19 के 19 हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी बड़ी, तो ज़रूर से एंड तक देखेगा और फिर कमेंट में बताएगा कि सबसे अच्छा जो है मॉडल, जो अवतार, वो आपको कौन सा लगा जो अच्छे से डिज़ाइंड है माइनक्राफ्ट के अंदर, ठीक है भाई। आपको सिंपली ये एड ऑन डाउनलोड करना है, आपको एमएस गेमिंग के चैनल से मिल जाएगा। और ये देखो, ये है काल भैरव दादा का जो है, ये सबसे रुद्र रूप है भोले बाबा का, जो है काल भैरव का रूप, जो काशी के कोतवाल है, जो उज्जैन में भी विराजमान है। और काफ़ी बढ़िया ये जो है ये बनाया है। यहाँ पे देखे चतुर्भुज रूप है, ठीक है। और जो उसके बाद एक अवतार है वो है वीरभद्र का, जो इनकी जटाओं से, भोलेनाथ की जो जटा है इनसे इनका जो है एक लट से पूरा प्रागट्य हुआ था, ठीक है। प्रजापति दक्ष का जिसने अंत किया था वो वीरभद्र महादेव के जो है अवतार में से एक है। ये भी रुद्र स्वरूप ही है और बहुत बढ़िया ये। उसके बाद है महाकाल रूप, ये सबसे बढ़िया, ये भी आपको कि एड ऑन का मेन पार्ट है महाकाल रूप। यहाँ पे आपको एकदम जो क्रोधावतार है, जो रुद्र रूप है, वो ही देखने को मिल रहा है। ऊपर डमरू के ऊपर स्नेक, और जो है यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें हल्का सा एक एनिमेशन है बाय द वे गाइस, तो थोड़ा सा ही है बस वो फेस का एंड ट्राइडेंट का, आगे से देखते हैं अब जो एनिमेशन है वो तो हमको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप सबको, ये काफ़ी बढ़िया है एंड अच्छा भी है भाई, ओवरऑल वेरी नाइस। तो ये हो गया भोले बाबा का महाकाल रूप। उसके बाद जो है पंचमुख जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे कृष दर्शन लिखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो आपको पांचों मुख अलग दिखेंगे और कितने हाथ है, 10 हाथ है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया जो है, इसमें एनिमेशन है नहीं, पूरा जटा है एक, और जो है यहाँ पे आपको चंद्र दिख रहा है 3 मुख पे, तो ठीक है। और ये काफ़ी बढ़िया है वैसे, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और जो है एक हाथ में डमरू, गदा, त्रिशूल, खड़ग, यू नो एवरीथिंग, ढाल, अस्त्र शस्त्र सारे है। और पीछे से भी जो है एकदम अच्छा लुक दे रहा है जो ये रूप है। अब चलते हैं गाइस अगले रूप के तरफ। तो जो अगला अवतार है वो है किरात अवतार, यहाँ पे लिखा है। एंड ये देखो यहाँ पे भी चतुर्भुज जो है आपको ये रूप दिख रहा है, डमरू त्रिशूल दिख रहा है, और आपको जो है एक बढ़िया सा जो है यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है हाथ में, ठीक है। तो ये है क्या, फिर ये सूर्य नतर्क अवतार, यानी कि जो ये नटराज रूप है वही है, सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तो जो नटराज रूप है ना ये वही है जो भोलेनाथ जी का जो नृत्य वाला रूप है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है। फिर जो है यक्षेश्वर अवतार है, तो यहाँ पे जो आप इनकी आँख में देखे ये जो है क्रोधवंत जो है दिख रहा है, पूरा रेड है लोचन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया सी लाली एंड अमेजिंग। ये भी काफ़ी बढ़िया है ओवरऑल, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो है वो है अवधूत अवतार, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 याद दिखेंगे एंड यहाँ पे भी कोई एनिमेशन तो आई गेस नहीं है, नो, फुल्ली ये जो है पूरे भस्म लगाया हुआ है, जटा है इनकी, त्रिपुंड है, रुद्राक्ष पहना है और बहुत सारी मालाएं हैं, और एक हाथ में शायद बाउल है और एक हाथ में जो है वो स्टिक है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया
एंड अच्छा बनाया, पीछे देखो लंबी लंबी जटाएं हैं, तो ये अवधूत रूप है, भोले बाबा का अवधूत अवतार है। वैसे भोलेनाथ की जो देव के देव महादेव है, वो सीरियल में आपने बहुत रूप देखे होंगे इनके। फिर ये नंदीश्वर, ठीक है, ये इनके एक अवतार है, नंदीश्वर यहाँ पे लिखा, तो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड इधर मैं फेस दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा, तो ये भी जो है इनके अवतारों में से है। और एक बहुत बढ़िया स्टोरी है जो आएगा तब मैं बताऊंगा, वो जो है स्पेशली वो रूप की, तो वो आएगा फिर मैं बताता हूँ। ये ब्रह्मचारी अवतार है, और ये ब्रह्मचारी अवतार है, तो यहाँ पे भी आपको एक जो है ऋषि मुनि टाइप का जो है ये आपको दिखेगा, जो स्ट्रक्चर है वो है ना, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद हम देखें ये जो है अगला है अश्वत्थामा, तो यस अश्वत्थामा अवतार भी है। और यहाँ पे देखो तो आपको जो है फेस और धनुष बाण जो है वो हाथ में देखेंगे, और इनको कौन नहीं जानता, महाबली हनुमान, संकट मोचन हनुमान, ठीक है, जो बहुत बढ़िया है। तो ये हनुमान जी स्वयं रुद्र है, यानी कि स्वयं महाकाल है, स्वयं भोलेनाथ जी के ही अवतारों में से एक है। तो ये है एक हनुमान जी का अवतार। उसके बाद वृषभ अवतार, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा ये डिज़ाइन किया, तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें ये मॉडल ऐसा है कि ये भी मुझे एक बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा यू नो। तो आप ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है ये वाला भी, तो आई जस्ट लव दिस मॉडल गाइस, ये काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा भी है भाई। तो एक हो गया ये वाला जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। और अब जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरभ अवतार, ये तब धारण किया था जब नृसिंह अवतार हुआ था नारायण का, एंड इनका क्रोध इतना हो गया था कि बहुत कुछ नष्ट कर रहे थे ये, शांति नहीं हो रहे थे। और तब भोले बाबा ने ये जो है ये अलग ही एक अवतार लिया, जहाँ पे आपको पशु प्राणी मनुष्य कुछ नहीं, सब मिक्स दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंग्स है, आपको लायन का फेस भी दिख रहा होगा, नेल्स भी दिख रहे होंगे, तो इस ये बहुत बेहतरीन स्टोरी है इसके पीछे। तो और जो वाघ चर्म जो है, जो नृसिंह भगवान है उनकी खाल जो है वो ले ली थी, तो तब से जो है ये शरभ अवतार है। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, नारायण का क्रोध शांत हुआ, और फिर हुआ ये अवतार तब ये भिक्षु। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा झूली जो है, झूला बांधा हुआ है साइड में, भोलेनाथ जी के अवतार में से ही एक ये है। तो ये भी एक अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो ये सीरियल्स में बहुत सारे अवतार और उनकी स्टोरीज बताई गई है। फिर एक और है सुरेश्वर अवतार, ये तो देवराज इंद्र का ही मॉडल है जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ऊपर चंद्र जो है वो लगा दिए गए है, एंड देवराज इंद्र का ही ये मॉडल है, बट अच्छा डिज़ाइंड है। तो यस पिपलाद, ये भी इसके पीछे भी स्टोरी है, पिपलाद अवतार। तो जो भी है सीरियल से आपको पता चलेगा, या फिर यू कैन सर्च इट आउट, तो ये पिपलाद अवतार का जो है ये जो है काफ़ी बढ़िया मॉडल बनाया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड अब बचे हैं आई गेस शायद तीन अवतार, दुर्वासा, यस दुर्वासा। अब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये भी अवतार में से ये एक है, बट बहुत अच्छा बनाया है यार, ये तो बहुत बेहतरीन है जो है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा है, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद जो है यतिनाथ अवतार, तो ये थे गाइस जितने भी अवतार है, 19 अवतार दिखाए गए यहाँ पे इस एड ऑन में। एंड आप भी जो है अपने वर्ल्ड में इसको इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हो। यस गाइस, तो डू लाइक एंड शेयर एज वेल, एंड कमेंट करना कि सबसे अच्छा मॉडल आपको कौन सा लगा, ठीक है भाई। मुझे लगा गृहपति अवतार एंड काल भैरव अवतार, तो ये काफ़ी बढ़िया है। मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।